और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर चुके हैं। तो आज हम इसी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। और मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक मेरा माइक प्रॉपर है, आप अपना सेटिंग में चेक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस अपॉर्चुनिटी को हम शुरू करेंगे। और आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे साथ दिखाने के लिए जो शख्स हैं वो एक बहुत ही सफल शख्सियत इस बिजनेस के अंदर है। इस बिजनेस में एक लेवल होता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, उस लेवल पर वो शख्स हैं। और थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड बताऊंगा, बाकी अपना परिचय वो खुद आपसे देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो एक कॉर्पोरेट जॉब में थे और इस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया बिकॉज उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे और कॉर्पोरेट जॉब से सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद बहुत जबरदस्त काम किया और केवल अपने आप को प्रूव ही नहीं किया लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी को भी उन्होंने यहाँ पे चेंज किया। तो ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं और मेरा आपसे दावा है कि जब आप ये प्रेजेंटेशन देखेंगे और ओपन माइंड से देखेंगे तो आप ही समझ पाएंगे कि क्यों इस बिजनेस की आज आपको और आपके परिवार को बहुत सख्त जरूरत है। तो कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंड से देखें, कोई प्रीजज नहीं करें किसी भी चीज को लेके, खुले दिमाग से देखें। और आप भी रिसेशन के अंदर ये बिजनेस कैसे इतना जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, कैसे इसके अंदर लोग आज भी अपने इनकम को ग्रो कर पा रहे हैं। मैं सस्टेन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रो करने की बात कर रहा हूँ, वो हम यहाँ पे जानेंगे आज। तो फ्रेंड्स, मैं अब बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा बिकॉज ऑलरेडी 5:09 हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि हम सब जोरदार तालियों से उनको बुलाएं। आप सबके बिहाफ पे मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ और उनको तालियों से आज इनवाइट करता हूँ बिकॉज ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पीकर। तो आज हम बुलाते हैं यहाँ पे मिस्टर प्रदीप वर्मा जी को। प्रदीप जी थैंक वेलकम, यू सो मच आलोक जी, स्वागत है प्रदीप जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू करुण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों नमस्कार एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने कि आज रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री के बारे में आज शेयर करेंगे। और आज से 9 साल पहले इस इंडस्ट्री को मैंने समझा था और इस रिसेशन ने ही मुझे एक नया मौका दिया था इस इंडस्ट्री को जानने और रूबरू होने का। और उससे बड़ा रिसेशन अब आया है। उस समय कुछ भी नहीं था बट तब मैंने सोचा कुछ किया जाए साइड में, क्योंकि यदि 6 महीने नौकरी नहीं रही तो क्या होगा और साल भर नहीं रही तो क्या होगा। कल मैं रात को न्यूज देख रहा था दोस्तों, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस कोरोना के टाइम पे अपने घर पे सेफ होंगे, बट मैंने देखा कि डेली वेजेस वाले 5 तरह के लोग लाइफ में होते हैं। मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले उसको मैं शेयर करूंगा क्योंकि मैं इसमें क्यों आया, क्योंकि मैं अच्छी जॉब में था जैसे आलोक जी ने बताया। और जॉब करते हुए मैं फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, सब कुछ हो चुका था, बट इस रिसेशन ने ही मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्यों ना कुछ साइड में किया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका प्लान क्या है? बी ए प्लान पे आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बट प्लान बी क्या है? कोरोना आया और लोगों को एक नया मौका भी दिया, कुछ लोग बैठ गए और कुछ आगे बढ़ गए और मोदी केयर वाले तो बहुत आगे बढ़ गए। सो इस ये रिसेशन आज से 10 साल पहले रिसेशन से ज्यादा खतरनाक है। मैं डेली देख रहा हूँ, डेली वेजेस वाले एक दिन काम ना करें तो शाम को पैसा नहीं आता, सबसे ज्यादा वो सफर कर रहे हैं। वीकली वेजेस वाले एक हफ्ता काम चला लेते हैं बट अब तो 1.5 महीना 2 महीना हो गया है। मैं कहता हूँ मंथली वेजेस वालों का क्या हाल है, जो नौकरी पे है उनकी तनख्वाह आएगी नहीं आएगी, आगे क्या होगा सोचने पे सोचिएगा। तो कुछ ना कुछ ओपन माइंड से अपॉर्चुनिटी को समझना जो तरुण सर ने मुझे दिया, समीर सर ने पूरे इंडिया को दिया और यहाँ पर एक से एक लीडर है आलोक जी, कपिल जी, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है। तो समझिएगा ओपन माइंड से, यदि 1 महीना नौकरी ना रहे, 2 महीने ना रहे, 3 महीने ना रहे, तब क्या करेंगे? तो क्यों ना आज इस ओपन माइंड से इस इंडस्ट्री को समझा जाए जो इंडस्ट्री लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। और KPMG की रिपोर्ट कह रही है कि 64,000 करोड़ का व्यापार हो जाएगा, उसको समझिए, क्योंकि कोरोना 1 साल 2 साल तक नहीं जाएगा, नौकरी नहीं रही तो क्या करेंगे। तो आज हम उस इंडस्ट्री को समझेंगे जिस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और मैं उस प्रेजेंटेशन को शुरू करूंगा जो मौका तरुण सर ने मुझे दिया। और थैंक यू तरुण सर इस प्रेजेंटेशन को मुझे आप सबसे डिस्कस करने के लिए जो मौका मुझे मिला है। तो आई एम देयर विद यू। थोड़ा सा जानेंगे, पैसा कमाने के लिए हम लोग मोस्टली पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी में जाते हैं और मोस्टली नौकरी में जाते हैं। मैं भी क्या पढ़ाई लिखाई करी, माई फादर एक आर्मी में थे और मैंने भी जॉब करी, 2000 से नौकरी शुरू करी और उसके बाद में अच्छी जॉब करते करते 1.25 लाख तक पहुंच गया था। और वहां जाके मुझे जब रिसेशन आया 2009 के अंत में 10 में, सबको याद होगा जब अमेरिका में सिटी बैंक्स में प्रॉब्लम हुई, उसका असर इंडिया में भी हुआ, लाखों लोगों की जॉब गई और अब तो बहुत ज्यादा जा रही है, रिपोर्ट्स कह रही है। तो
तो दोस्तों कुछ ना कुछ साइड में प्लान बी, मेरा आपसे वापस सवाल है, प्लान बी क्या है अपनी लाइफ को जीने के लिए? पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये स्लाइड्स हम बाद में डिटेल में चलेंगे, बट मैं आपको फास्ट दिखाऊंगा चार तरह के लोग। मैंने तरुण सर ने जो किताब बिजनेस स्कूल के बारे में आपने सबने सुना है उसको पढ़िए, या रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट को पढ़िए। ये चार तरह के लोग हैं जो 90% लोग इधर हैं। नौकरी वाले क्या देखते हैं? पढ़ो लिखो, शादी करो, नौकरी करो और बस सेटल हो जाओ, यही होता है। वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, मंथ एंड में पैसा आ जाए 10,000, 20,000, 30,000 एंड वी आर हैप्पी, बस इतना ही देखते हैं वो, इससे ज्यादा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड सारा काम खुद करने की सोचते हैं। हमारे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में इतना फर्क है, एम्प्लॉय किसी के नौकर है और सेल्फ एम्प्लॉयड अपने नौकर। शटर खुलता है, पैसा आता है, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। और बिजनेसमैन सिस्टम देखता है, स्मार्ट लोगों के साथ काम करता है, वो खुद करता नहीं कराता है। और इन्वेस्टर तो सिस्टम देखता है कि वहां पर जहां पैसे से पैसा बने। तो हम लोग मोस्टली 90% एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या होते हैं, जो नौकरी में है, पढ़े लिखे भी हैं, नहीं भी पढ़े लिखे, या दुकानदारी कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, वो सिक्योरिटी देखते हैं, बस महीने की एक तारीख को पैसा आ जाए, थैंक यू सो मच, क्रेडिट हो गया, इससे ज्यादा नहीं देखते। बट ये लोग जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स है, वो क्या देखते हैं? फ्रीडम, पैसे की, टाइम की, सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े उनको कि कभी पैसा जेब में है या नहीं है, डेबिट कार्ड देख के स्टेटमेंट ना देखनी पड़े। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि आप एमआरपी होटल में जाके दाल मखनी या पनीर का रेट देखना चाहते हैं, या सिर्फ जो मन किया ऑर्डर किया बच्चे ने वो खाना चाहते हैं, जो इच्छा की वो पाना चाहते हैं? यदि ये सब पाना चाहते हैं तो जो तीन पीढ़ी से जो हो रहा है उसको बदलना पड़ेगा, ई से निकल के बी में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको 5 से 10 साल लगाने को तैयार हो तो सिर्फ, तो नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ आपको 4 से 5 साल मांगती है। यदि तैयार हो तो आज इस इंडस्ट्री को ध्यान से समझिएगा, जो कह रही है जो कुछ 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में भारत में होगा, और अभी 1% लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यदि हम और आप इसमें मिलकर काम करें तरुण सर और पूरे लीडर्स के साथ, तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों दो तरीके होते हैं, पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, ये सब ने सुना है। और जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारे को क्या कहा जाता है घर में, यही कहा जाता है, बेटा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जितनी चादर पैसा पसारो। ये सुन सुन के हम शायद बड़े हुए और सब ये सुन के पड़े हुए, बेटा नौकरी करो, नौकरी करो और नौकरी। यदि आपके घर में बच्चियां हैं तो उनको ये समझाया जाता है, बेटा टीचर की जॉब करो, और यदि बेटे हैं तो जाओ बेटा गवर्नमेंट जॉब, लाल बत्ती वाली नौकरी करो। मैं कहता हूँ फरारी में लाल बत्ती लगी है, या मर्सिडीज में, या बीएमडब्ल्यू में, तरुण सर के ग्रुप में एक से एक वॉल्वो कपिल जी के पास है, क्या उन पर लाल बत्ती लगी है? तो रिस्पेक्ट कहाँ ज्यादा है, लाल बत्ती पे है या फ्रीडम चाहिए टाइम की, पैसे की, या सिर्फ लाल बत्ती जो हम अनपढ़ लोगों के नीचे काम करें? यदि पैसा कमाना तो एक दूसरा तरीका है, टाइम बढ़ा के पैसा बनाओ, एक तरीका है पैसा लगाओ, पैसा नहीं है हमारे पास। और तीसरा तरीका है लोगों के पास आइडियाज, नए आइडियाज, और नए आइडियाज का जन्म आपने देखा है आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और आपने देखा है ओला उबर या सबसे ज्यादा ओयो, ये लोग नए आइडिया से आगे बढ़ गए, amazon.com में नया समाने का, नया बिजनेस कुछ नया करने का, तो फ्रेंचाइज ओनर्स बन गए। ये लोग सफल हैं, पैसा है, ये इस दुनिया में नहीं है तब भी पैसा आता है, बट क्या हम फ्रेंचाइज ओनर बन सकते हैं? तो सवाल आता है करोड़ों रुपए लगेगा, नहीं बन सकते। बट दोस्तों एक गुड न्यूज है, आप भी फ्रेंचाइज ओनर बन सकते हैं। जो सिस्टम आज आपसे शेयर किया जाएगा वो एक ऐसा सिस्टम कि जहां पर आपको भी कंपनी से, आप मोदी केयर के पार्टनर बन सकते हैं, फ्री में आपको फ्रेंचाइज मिलेगी और आगे आप भी फ्रेंचाइज बांट सकते हैं, जो बाकी बिजनेस में नहीं होता। वहाँ करोड़ों रुपया सिंगल लेवल पे इनकम आती है, यहाँ मल्टी लेवल पे। तो आप तैयार हैं नए मौके, नए आइडियाज के लिए, क्योंकि नए आइडियाज नहीं करेंगे तो नोकिया की तरह बंद हो जाएंगे। टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको बढ़ना है। तो अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे खड़ी है, स्मार्ट फेयर लीगल मार्केटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या रिकमेंडेशन मार्केटिंग, या आप इसको MLM कहो, मैं इसको टीम मार्केटिंग कहता हूँ। एक तरीका होता है अकेले काम करो, 2-3 लड़के रख लो, तनख्वाह दो, पैसा बनाओ, अपना टाइम बढ़ा के आप पैसा कमा सकते हैं। अकेले करोगे 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा, कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटा भी लगातार 365 दिन काम करोगे तो आपके पास सिर्फ 8,760 घंटे हैं। मुझे बताइए, एक दिन जागरण में चले जाओ तो नींद से अभी दिन काम नहीं होता, तो 24 घंटे तो कहाँ होगा। तो नॉर्मली आदमी एवरेज 8 से 10 घंटा काम करता है, मुश्किल से 80,000 घंटे काम करता है पूरी जिंदगी में, कितना पैसा बनाएगा? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम। सो आपके नीचे जो लड़के आपने रखे हैं वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉई हैं, आपने उनको बराबर का मौका नहीं दिया है। वो उतना काम करेंगे, सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे, एंड थैंक यू सो मच, आप नहीं बढ़ पाएंगे। एक दूसरा तरीका देखते हैं जो हम नॉर्मली मार्केट में करते हैं, कमीशन पे लोगों को रख लेते हैं, काम कराते हैं। आपने रियल स्टेट देखा, इंश्योरेंस में लोग चले जाते हैं, रियल स्टेट बड़ा पैसा देख के चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है, बीएमडब्ल्यू में बैठा हुआ बिल्डर, और आराम से सड़क पे अभी भी लोग
देखा होगा आप ब्रोशर लेके खड़े रहते हैं एजेंट, और वो कितना कमा लेते हैं? 1%, उतना भी नहीं। और वो बाइक पे होते हैं और वो बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, कमीशन पे काम होता है, अपने लड़के रख लिए, बट वो भी इतनी मेहनत नहीं करते। वो आपसे काम सीखते हैं और क्या करते हैं, फिर आपको कॉम्पिटिशन देते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल मैंने रियल स्टेट का दिया है या इंश्योरेंस, बट ये क्या सब जगह नहीं होता? चाहे पार्लर हो, चाहे बुटीक हो, चाहे गारमेंट्स की शॉप हो, जो लड़के आपने रखे, मैं कहता हूँ आपकी पंचर की भी दुकान है, आपने लड़का रखा, वो आपसे काम सीख के सामने दुकान खोल लेता है, तो ये सिस्टम भी कमीशन वाला कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और आपके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाते और वो आपको छोड़कर अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर लेते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आपसे सीखा, आपको छोड़ के चले जाते हैं। फायदा क्या हुआ? फिर नए रखो, फिर चले जाएंगे। इससे अच्छा क्या करना, नया तरीका देखेंगे, और इस तरीके से कंपटीशन खड़ा हो जाता है। और ये ट्रेडिशनल मार्केट है, इसमें लोग चल रहे हैं, कुछ कामयाब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, बट आज हम नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो 21वीं सदी का व्यापार कहलाते हैं। अब उसको देखिएगा, यदि हम तीन लड़के रखें और उनको कहें कि आपको मैं सिखाऊंगा और आप उनको सिखाओ, और आप मेरे से ज्यादा भी कमा सकते हो, मेरे बराबर भी कमा सकते हो, कहाँ से आयो मैटर नहीं करता, कौन सी एजुकेशन है मैटर नहीं करता, कौन सी कास्ट मैटर नहीं करता, और आप जितनी बड़ी टीम, जितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उतना पैसा कमा सकते हो। लीगल स्मार्ट फेयर मार्केटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत, कोई डिग्री नहीं देखेंगे, और आपको बराबर, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको लोग कहते हैं चेन बनाना और है ना जोड़ना। लोग कहते हैं कि इसको, जिसको कुछ नहीं आता है नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे बिजनेस में आईएएस ऑफिसर से लेकर, आपने देखा होगा हमारी कंपनी में इसरो के चीफ तक काम करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सिस्टम, जिसमें कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा ये मौका समीर जी ने तरुण जी को दिया और तरुण जी हम सबको दे रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, कपिल जी, आलोक जी, ये सब आपने, आशुतोष जी, जितने लीडर्स यहाँ पर आप बैठे हैं, आप देख, एक दूसरे को आप सुन रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन है? जितना आप बढ़ेंगे उतना तरुण जी खुश। तो दिस इज द सिस्टम, या तो आप अकेले लगे रहो, या पॉल जे एन गेटी क्या कहते हैं, या तो आप अकेले लगे रहो, अपना 100% लो, या दो आदमियों से 1-1% कमाओ, या उनसे 1-1% काम लो, तो आपको डिसाइड करना है। तो आपको वॉल्यूम गेम या टीम बनानी है, इसको कहते हैं टीम बनाना। बट कुछ लोग कहते हैं सर जो बाद में आया वो पैसा नहीं कमा पाता, जो पहले आ गया वो कमा लेता है, बड़े सवाल होते हैं, और वो कहते हैं ये पिरामिड है, ये पिरामिड नहीं है। यहाँ पर जितने लोग, जितने लोगों का सिस्टम बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी, वो पैसा कमाएंगे। नौकरी में पिरामिड होता है, ऊपर वाला पैसा बनाता है और नीचे वाले मेहनत करते हैं, ये होता है पिरामिड। पिरामिड से पहले मिस्र का जैसे पिरामिड होता है, समय डिस्टर्बेंस कमिंग, सो हमारे सिस्टम में आपको पिरामिड नहीं है। आप आए, अब देखिए, आप दो लोग लेकर आए, वो तीन तीन लाए, क्या किया, सामान यूज किया। अब जिसकी टीम बड़ी उसको ज्यादा पैसा, कौन कहां से आया, अब मुझे बताइए, ये जो तीन लोग आए इसके पास 12 लोग हैं, अब ये घर का सामान वहां से ना खरीद के यहाँ से खरीद रहे हैं, जिसके ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा बिजनेस, होलसेल बिजनेस। नेटवर्क, टीम को समझिए, आज नेटवर्क किसका नहीं है, आज रिलायंस का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क, सब कुछ है ना, हर जगह नेटवर्क की पावर से चल रहा होता है। ओला उबर का कुछ नहीं है, अमेजन का कुछ नहीं, सबने क्या किया, नेटवर्क को जोड़ दिया। तो आज नए इंडस्ट्री को समझिए, अकेले काम करते रहोगे कुछ नहीं होगा, नया टाइम 21वीं सदी का व्यवसाय इसको समझिए, जो 65,000 करोड़ का होने वाला है। आप और मैं आ गए तो हम भी कुछ कमाएंगे, आपके दोस्त आ गए वो भी कमाएंगे, नहीं आए तो बाहर बैठे तालियां बजाएंगे और हम सोचेंगे शायद कर लिया होता, तो यदि कर लिया होता तो हम भी कुछ हो जाते। तो यदि कर लीजिए एक बार और दिल से कर लीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी ये है, जिसकी ज्यादा बड़ी टीम वो पैसा कमाएगा, कब आएगा मैटर नहीं करता। अभी तो तरुण जी कहते हैं अभी तो वो लोग आए नहीं आपकी टीम में, और आएंगे और आपको भी पीछे छोड़ के जाएंगे और आपकी पुरानी टीम को भी। सही कहते हैं, जिसका बड़ा ग्रुप टर्नओवर, आज 18 साल का लड़का आता है और 3 साल में यहाँ कामयाब हो जाता है, और मैंने देखा है हमारे कपिल जी की टीम में ही है, बहुत सारे लीडर्स को हम जानते हैं। सो नौकरी में क्या होता है, एक एग्जाम्पल है, वहां पर पैसा बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी जगह पैसा बढ़ता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ बढ़ता है, ना किसी को तनख्वाह देनी है, कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है और लोगों, डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ को अच्छा किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और सिस्टम बनाए जाते हैं, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। बीच का पैसा आप कमा सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और ना लोगों को लाने में पैसा मिलता है, स्मार्ट है, आप जितने अच्छे लोगों को अपने सिस्टम में लाओगे उनका नेटवर्क भी आपका नेटवर्क, लोगों को लाने में पैसा नहीं है, लीगल है बिल्कुल, राइट,
और सबसे अच्छी बात, एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, सिखाते हो, फेयर, बराबर का मौका, बार बार कहता हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तभी लोग काम करते हैं। यदि उसको ये लगेगा कि आपका उसको इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं काम करेगा, उसका फायदा उसको लगेगा तब वो काम करेगा। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, बराबर कमाने का मौका। कौन आ रहा है, कब आ रहा है, वही उसको आधार कार्ड लगाना है, वही इसको 7% से स्टार्ट करना है। आपने सब जितने लोग जानते हैं पुराने, बाकी दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी होती है, बट आज हम जानेंगे तो शानदार कंपनी। उससे पहले हमको जानना चाहिए कि क्या आपको बीच बीच में गलत कंपनी आके बता देती है, तो उसको चूज मत कीजिएगा। ऐसी कंपनी को चूज मत करना जिसके प्रोडक्ट नहीं होते, ऐसी कंपनी को चूज मत करना जिसके, और यदि ये चीज लगे कि हमारी कंपनी में है तो आपको देखना है कि हमारी कंपनी में क्या चीज है। आपको ये देखना है कि लोगों को लाने में तो पैसा नहीं दिया जाता, तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। आप ये देखिए कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा मिल रहा नहीं, प्लान बताया जाता नहीं जाता है, छुपाया तो नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं कि आपकी डाउनलाइन आपसे ज्यादा पैसा तो नहीं कमा सकती, ऐसा तो नहीं। ऐसी चीजें कंपनी जो खराब हो, जो फ्रॉड हो, जो कहती है प्रोडक्ट नहीं है, दो ही लाने, कुछ नहीं करना, एक बार लगाना है, ये सब फ्रॉड होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर ट्रेडिशनल मार्केट की तरह कंपनी होती है। ये बिजनेस भी 3 साल कम से कम लेता है जैसे बाकी बिजनेस लेते हैं, टाइम लगता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। अब कैसी कंपनी होनी चाहिए उसको सिर्फ लास्ट स्लाइड पे फिर हम चलेंगे हमारे सर की प्रेजेंटेशन पे। एंड द लास्ट स्लाइड जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चार्ल्स किंग पढ़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कितने लोग जानते हैं, बिजनेस स्कूल किताब पढ़ी रॉबर्ट केसी की, ऐसी चार्ल्स किंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाते हैं, करते नहीं पढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं, ऐसी कंपनी देखो जिसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो, जिसका फ्यूचर, जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी क्रेडिबिलिटी। और आप देखना कि आज आपको मोदी केयर में नजर आए तो करना, नहीं नजर आए वेलकम, बट मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा बिजनेस करो जो लोगों की लाइफ को चेंज करे, जिसकी नीड हो मार्केट में, हमेशा चलता रहे सुबह से शाम 12 महीने, सीजनल काम ना हो, ट्रेंड कहता हो कि समय उनके फेवर में हो। तो आज आप देखिएगा हमारे पास कैसे प्रोडक्ट हैं जो कोरोना में भी जरूरत है, प्रोडक्ट कैसे हो जरूरत के, प्राइसिंग कैसी हो अफोर्डेबल, राइट, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको मोदी केयर में नजर आए या किसी भी कंपनी में, मैं नहीं कह रहा, बट यदि मेरे को मोदी केयर में तरुण जी ने दिखाया, मैं पहले दूसरी कंपनी में था, 4 साल काम किए थे, आज उस कंपनी से दोस्तों से बात हो रही, कह रहे सर इतने महंगे प्रोडक्ट है, बिजनेस डाउन खड़ा है, बट हमने देखा कि मोदी केयर बढ़ रहा है और हमारा बिजनेस भी 1 लाख बढ़ा है। प्लान कैसा होना चाहिए, लोगों को बराबर का मौका दे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही टांग बढ़ गई और कुछ बैलेंस नहीं हो रहा, वो बंदर आया बिल्लियां दोनों को बराबर करता रहा और खुद खा गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन टाइम सेल है, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है जो लोगों की लाइफ को चेंज कर सके, लोगों को धोखाधड़ी ना हो, वो थैंक यू बोले आपको कि थैंक यू तरुण जी, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू कपिल जी के ऐसे प्रोडक्ट दिए कि मेरी लाइफ में बदलाव आ गया। ऐसे प्रोडक्ट है क्या आपको किसी ने अभी तक, यदि नजर आ रहा हो तो काम कीजिए। प्लान ऐसा हो जो सबको आगे बढ़ने का बराबर का मौका दे, टाइमिंग फेवर में हो, टाइमिंग फेवर में हो, समझिएगा। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ आपका प्लान बी क्या है, आपको नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है, यदि आपने एक वीडियो तरुण जी ने दी थी कि आज जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और 65,000 करोड़ की हो जाएगी। बार बार मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि FEMG की रिपोर्ट कह रही है, IDSA की साइट पर जाओ, आप फिक्की की रिपोर्ट पढ़ो, किसी की पढ़ लो, और ये चीजें आपको मोदी केयर में नजर आ गई तो आपका स्वागत है ओपन माइंड से इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए। आपको एक ऐसे संसार में, आपका अपॉर्चुनिटीज के संसार, मौके के अवसरों के संसार में आपका स्वागत है, मोदी केयर आपका स्वागत करती है। और बहुत लोगों के सपने होते हैं लाइफ में, हमारे सपने होते हैं बहुत सारे। एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, एक अच्छी सी गाड़ी, रॉयल्स, कैंडल लाइट डिनर और फॉरेन ट्रेवल, बट रियलिटी क्या इंडियन की, एक एवरेज आदमी आज यदि सैलरी पकड़ेंगे ना तो 10 से 12 हजार कमाता एवरेज, कुछ लोग 50,000-1 लाख वाले भी, बट कितने हैं। उसकी लाइफ ऐसे बाइक पे निकलती है, वो कहता क्या करेंगे गाड़ी लेके, फाटक के नीचे से निकल जाती, वही अच्छा, अच्छा लग रहा है, एसी की जरूरत भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, बट रिस्क सबसे ज्यादा आपने बाइक में देखा होगा, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा बाइक पे होते हैं। तो क्या सपने पूरे होते हैं यदि आप जो कर रहे हो अगले 5 साल में भी सपने पूरे हो पाएंगे? रॉयल्स रॉयस शायद छोड़िए, 10 लाख की गाड़ी भी अगले 5 साल में आ पाएगी जो आप कभी कर रहे हैं अदर देन मोदी केयर? नहीं। तो आपका मोदी केयर में स्वागत है। लोगों के सपने होते हैं बट पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जब वो जहां निकलते हैं, जिस डायरेक्शन में निकलते हैं, वो हार्डवर्क होता है और वहां पर वो सिर्फ काम करता है, पैसा आता है, आने से पहले चला जाता है, और वो है जॉब, उसकी EMI, उसके टैक्सेशन, उसके हाथ में क्या बचता है, एजुकेशन, सब कुछ खर्चे निकालने के बाद माइनस में लोन।
लोन बचता है फिर दूसरा लोन लेता है, ये सपने कहाँ पूरे। रियलिटी में किचन में लाइफ निकलती है एक लेडीज की, जो सुबह से शाम कभी सास ससुर कभी हस्बैंड कभी उनकी लाइफ को पूरा करने के लिए अपनी पहचान खो जाती है। मैं हमेशा लेडीज को कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में 85% यदि लेडीज कामयाब है तो इसलिए कि उसको अपनी पहचान बनाने का यहाँ मौका मिलता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने का। ये पिकनिक में लाइफ निकल रही है, हाँ अब तो शायद वो भी टाइम नहीं मिलता, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। यदि आप फॉरेन ट्रेवल ये सपने पूरे करना चाहते हैं तो कुछ आपको हटके करना पड़ेगा, और उस हटके करने के लिए स्लाइड हम पहले देख चुके हैं ESBI। 95% लोग आज की डेट में लाइफ में 5% पैसा है, और वो लोग हैं हमारे जैसे नौकरी में जो रहते थे, मैं भी छोड़ा है उस नौकरी को। इंडिविजुअल एफर्ट, अकेले काम करते हैं, लिमिटेड इनकम एक्टिव इनकम जिसको लीनियर, 8 घंटा काम करोगे 5 दिन करोगे 50 हफ्ते करोगे 40 साल करोगे, 80,000 घंटे हैं पैसा कमाने के, क्या कमाओगे। बट एक बिजनेसमैन है 10,000 एम्प्लॉय उसके साथ काम करते हैं, 8 घंटा उनसे काम कराता है, उनको 200 रुपए दिया था डेली का और सिर्फ 50 रुपए भी बचाया खर्चा करके, उसने एक दिन में 40 लाख बचा लिया। हम पूरी जिंदगी में मुश्किल से 1,60,00,000 बनाते हैं, वो भी टोटल टुकड़ों में आता है टुकड़ों में जाता है, लिमिटेड इनकम सेविंग के नाम पे हमारे पास रिटायरमेंट की लाइफ होती है, वो भी जाके क्या गांव में बस जाते हैं बच्चों की शादी या हाथ में लास्ट में छाता और घड़ी और हम चल देते हैं। एक जन्म मिलना है मनुष्य जीवन में, उसके बाद देख लो क्या करना है। यदि आपको बिजनेसमैन की तरफ बनना है, 3 पीढ़ियां सोचो, आप कुछ कर रहे हैं, आपके पिताजी कुछ कर रहे हैं और उनके पिताजी कुछ कर रहे हैं, बट बिजनेसमैन का बच्चा, गुजरात का बच्चा आके नौकरी नहीं कर रहा होगा, वो आज भी बिजनेस कर रहा होगा, उसको आप आर्मी के बॉर्डर पर नजर नहीं आएंगे, वो मोस्टली बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन मिलेगा, वो वहां से बढ़ा था जहां से पापा ने छोड़ा। यदि आपको ऐसा बिजनेस चाहिए तो आपका स्वागत है, लेगेसी में बिजनेस अगली जनरेशन को ट्रांसफर होता है, इसलिए मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, इसलिए मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, घर था डैडी का अच्छा रोहिणी में, और नौकरी में 1,25,000 की कमाता था, बट मुझे समझ में आया नौकरी कभी भी जा सकती है, तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस कैटेगरी में आना चाहिए। मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया, मेरे को नहीं आता था, मैं एक बहुत रिजर्व अकाउंट्स का आदमी, कोई सेल्स मार्केटिंग नहीं आती, बट मैंने एक चीज ठानी कि मुझे कुछ करना है, रिसेशन के टाइम पे माइंड में लिया कुछ करना है। तो पैसिव इनकम यहाँ आती है, जैसे बुक राइटर सिंगर्स को आती है, अभी आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम जब आप ना रहें या आप एक सिस्टम के बाद, तब तक शरीर साथ देगा। आज हम बैठे हैं घर पे, यदि मैं कहूँ कि चलो यदि इम्पैक्ट पड़ भी रहा है, वैसे तो बिजनेस बढ़ रहा है बट तब भी पैसा आ रहा है, ऐसा बिजनेस। यदि आप बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही, शरीर साथ नहीं दे रहा, कभी 5 साल 10 साल के बाद वक्त साथ नहीं दे रहा है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप घर बैठ गए किसी कारण, तब भी आपको पैसा आए तो कैसा रहेगा। नौकरी में कितने दिन आता है, आप बीमार हैं नौकरी वाले 1 महीना, थैंक यू सो मच, फिर क्या करेंगे, सेविंग कितने दिन चलेगी। तो स्टार्ट वर्किंग फॉर पैसिव इनकम, एक ऐसा सिस्टम जो आप एक बार खड़ा कर दो और बार बार पैसा दे। खड़ा करने में 3 साल 5 साल 10 साल लग सकते हैं, बट आपने देखा तरुण जी के ग्रुप में ऐसे ऐसे लीडर हैं तो 6-7 साल में, कपिल जी आपके सामने, आलोक जी हैं, अक्षय दत्ता है, मनोज मलिक जी है, आशुतोष जी, ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 5-6 साल लगाए, कोई 8 लाख, कोई 9 लाख, कोई 10 लाख महीना कमा रहा है। क्या नौकरी में पॉसिबल है, जिंदगी लग जाएगी, एक सीईओ को तनख्वाह नहीं आती जितनी यहाँ पर एक महीने में आ रही लोगों को। तो आपको 5% में आना है तो कुछ कीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट में लगे रहेंगे क्या होगा, एक 25 रुपए का सामान घर आते आते, इस दोनों इंडस्ट्री को समझते हैं, आपके घर में पेस्ट साबुन कुकिंग कुछ भी आता है, गारमेंट्स कुछ भी आते हैं घर में, आपके घड़ी एनीथिंग जो भी सामान आता है बाजार से लेते हैं, कैसे आता है, फैक्ट्री से, आपने देखा CNDFA से या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, होलसेलर, रिटेलर, मीडिया कॉस्ट, मैं अकाउंट्स का आदमी था, हमें पता है 25 रुपए का सामान जाते जाते कस्टमर तक 100 रुपए का हो जाता है और हम पे करते हैं, बीच का पैसा कहाँ जाता है, इन मीडिएटर्स के बीच में जाता है, ना क्वालिटी का पता, पैसा ये लोग कमाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और इसी में आज बीच के पैसे में सब इंटरेस्ट रखते हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल बहुत सारी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपना कुछ नहीं है, अपना पैसा कमाती है बीच का, फेसबुक भी कुछ नहीं करती है, ओला उबर अपना कुछ नहीं है, बीच का पैसा कमाती है, नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ के बीच का पैसा कमाना। तो आज आप समझिए, यदि बीच का पैसा आपको चाहिए आपके फैमिली फ्रेंड को, तो करना क्या है, बाजार से सामान लेना छोड़ना है, यहाँ पर आपको क्वालिटी बाजार से बेहतर मिलेगी और आपको एक मौका मिलेगा अपनी लाइफ को बदलने का और उसके साथ साथ लोगों की लाइफ को बदलने का। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों की लाइफ को बदलते हैं, आपको ब्लेसिंग, प्यार, इज्जत मिलती है और आप ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को ट्रांसफर होता है। बहुत सारे लोग क्या क्या कहते हैं, बस मेरे को सबसे मेन बात समझ में आती है, बिल गेट्स, दुनिया जानती है इनको, बहुत सारे लोग हैं, हम इनको सुन चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं इनकी बात को पढ़ के इंस्पायर हुआ था। ये कहते हैं जिंदगी में, क्योंकि मैं जानता हूँ 10th पास है, माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता, और इनके पढ़े लिखे दोस्त इनके साथ नौकरी करते, समझिएगा दोस्त इस बात को, इन्होंने एक चीज कही, जिंदगी को जीरो से स्टार्ट करना है तो वापस मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। सो बहुत सारे मेन लीडर्स हैं, आप जो बड़े बड़े
जो कह रहे हैं उनकी बात को समझिए, यदि आपको लगता है कुछ लगता है तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बट एनालिसिस करिए, बट इतना नहीं कि पैरालिसिस जाए। आपको जिसने इनवाइट किया है ट्रस्ट कीजिए, और मोदी केयर में आपका स्वागत है। मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज है, बट इस कंपनी में आइए, क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया, ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी में जाइए जिसकी रीपर्चेज आती हो, जिसकी जरूरत सुबह से शाम हो। तो देखते हैं वो सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो देखते हैं। तो शुरुआत मोदी ग्रुप की आपने देखा 1933 में सिर्फ 400 रुपए से लाला राय बहादुर गुजर मोदी जी ने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, बेगबाबाद से जहां पर शुगर मिल की स्थापना की थी। आज ये मोदी नगर के नाम से है, यूपी में सब जानते हैं, गाजियाबाद क्रॉस करके मुरादनगर क्रॉस करके आता है शुगर मिल से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और आज देखिए 1972 आते आते 27 उद्योगों की स्थापना की। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, स्कूल कॉलेज जो पाया संसार से वो वापस दिया, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा। अगली पीढ़ी देखिए, ये हमेशा होता है लेगेसी में, बिजनेस तो गया बट संस्कार भी जाते हैं। तो के मोदी जी इनके बेटे, जिन्होंने नए उद्योगों को इंडिया में लाए, 90 कंट्रीज में बिजनेस को फैलाया। आपने मोदी जेरोक्स मशीन के नाम से सुना होगा, नई जो आज फोटोकॉपी इंडिया में होती है वहीं से उनकी देन है। नए नए उद्योगों को लाए, आज 28,000 एम्प्लॉयज हैं मोदी इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाते हैं, और आपने 64,000 करोड़ का ग्रुप है। मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था, पॉइंट पी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, देखिए क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, कंपनी का प्रोफाइल बैकग्राउंड। एक टाइम आपको अभी भी चार पिलर्स इंडिया को चला रहे हैं, टाटा बिरला राइट, रिलायंस एंड मोदी जी। रिलायंस तो बाद में, बट पहले तो तीन ही पायनियर थे, टाटा बिरला एंड मोदी जी, फिर रिलायंस भी आ गए, फिर मित्तल साहब भी आ गए। सो द थिंग इज दे आर द पायनियर्स, दे आर द ट्रेंड सेटर, जो तरुण जी समझाते ट्रेंड सेटर, उन्होंने जो कुछ किया हटके किया, नया किया, और वो जो कुछ करते आए वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने किया। समीर सर हैट्स ऑफ टू हिम। मैं चाहूंगा इनने जो सोचा पब्लिक के लिए सोचा, इनके पास इतना पैसा है, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, बट इन्होंने एक चीज सोची, इंडियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी मिल चुकी है, बट आज तक हम गुलाम हैं, आज तक गुलाम है माइंडसेट से, तभी ये कहते हैं सोच बदलो। ये कहते हैं आप एंटरप्रेन्योर बनो, नौकरी में हम करते आ रहे हैं, अंग्रेज चले गए बट हमको सिखा गए नौकरी, जैसे चाय पिलाना सिखा गए ऐसे नौकरी करना सिखा गए। ये कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो ये बिजनेस, ये हमारे लिए कंपनी ने खड़ी की, यहाँ से पैसा नहीं बनाते, जो कमाते हैं उससे ज्यादा यहाँ लगा देते हैं। सो इनका एक ही नारा है, हर घर में आजादी लेके आना। बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं इनकी, आप सब जानते हैं, कलर बार कॉस्मेटिक्स कंपनी हो, इंडोफिल केमिकल कंपनी, टीसीपी चाय ब्रांड, आप पानब्लस मसाला का ऐड का नाम सुना होगा आपने, फंडा गोली, सो मेनी 27 कंपनीज हैं, जो आप 24/7 हमारे शोरूम से आप 24 घंटा सातों दिन खुलते हैं। तो मोदी की डायरेक्ट सेलिंग में है, जो डायरेक्ट सेलिंग आज इंडिया में 13,000 करोड़ का कारोबार कर रही है, और अगले 5 साल में, बार बार मैं आपको बीच बीच में याद दिलाऊंगा, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। आप और मैं रहेंगे तो हम उस केक का हिस्सा हम भी कुछ खाएंगे, नहीं रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, फिर बुढ़ापे में याद करेंगे, बेटा शायद कुछ कर लिया होता तो जैसे कपिल जी की वॉल्वो आई है तो तेरी भी आ गई होती, तो कर लो कुछ राइट। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम, ये स्लाइड बड़ी शानदार स्लाइड तरुण जी ने बनाई, थैंक यू सो मच। हम में से कितने लोग सिंपल, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी बट यहाँ से सिंपल तरीके में सीखी, हम में से कितने लोग डेली सुबह उठते हैं पेस्ट करते हैं, ये सवाल हमें उन लोगों से पूछना है, लेट देम गिव देम आंसर। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके घर में सुबह डेली नहाते हो, पेस्ट करते हो, आपके घर में चाय बनती, खाने बनते करते, साफ सफाई होती है, क्या कहेंगे आप? यस बिल्कुल, नए लोग भी यही कहेंगे यस। कहाँ से लाते हो? सबसे पहले हमारा इजी होता है घर के पड़ोस की दुकान से। थोड़ा सा आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, मॉल चले जाते हैं घूमने, बिग बाजार चले जाते हैं, यू नो अमोर शोरूम चले जाते हैं, अमोर भी क्यों बढ़ रहा है सोच के देखिएगा, वॉलमार्ट भी क्यों बढ़ रहा है, तो ऐसी मोदी केयर बढ़ रहा है राइट। तो हम वहां से लाते हैं, क्या मिलते हैं वहां पे हमें, बड़ा बस घूमने का शौक, एमआरपी पे सामान, कभी स्कीम मिल गई नहीं मिली, कभी डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं पता, बट यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मिलता है, वहां से खरीदते रहोगे, खर्चा है। एक चीज तरुण जी कहते हैं, या तो कमा के राशन खरीद लो या खरीद के पैसा कमा लो, तो आपका क्या इरादा है? यहाँ पर सामान खरीदने से पैसा आता है, कैसा रहेगा? यदि आपको सामान खरीदने से पैसा आए तो सब पहली बार कहेंगे मजाक है, ऐसे ही लगता है, नहीं दोस्तों यहाँ पर पैसा आता है, शुरुआत में छोटा आता है बट ये छोटा धीरे धीरे बढ़ते हुए जाता है, और उसका एग्जाम्पल आपके लीडर्स यहाँ पर हैं, तो आपको कैसा लगेगा जब सामान खरीदने से पैसा आने लगे? तो देख लेते हैं हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं, यदि आपको अच्छे लगे, मुझे उम्मीद है पूरा अच्छे लगेंगे। हमारे पास 600 प्रोडक्ट हैं, 11 तरह की रेंज है, और अभी आपने देखा घड़ियां लॉन्च हुई, अभी देखा आपने हमारे माइटी गार्ड मोबाइल का पैक लॉन्च हुआ, और उसके बाद आप अभी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। जब मैं आया था 150 प्रोडक्ट थे, आज 600 के करीब हो गए। तो 5 डेमोज हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको भेज सकते हैं, और आप उसको देखिएगा, अवेलेबल है।
और मेरे को उम्मीद है जब आप उनको देखेंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, देखने से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। हमारे पास होम केयर, पर्सनल केयर, सुबह से लेकर शाम, बच्चे से लेकर बूढ़े, सब प्रोडक्ट है। जो कहते हैं समीर सर, सुबह से लेके अगली सुबह तक के प्रोडक्ट वो लेकर आएंगे और वो आते जा रहे हैं। तो राइट, वी हैव स्किन केयर, लॉन्ड्री, एवरीथिंग, फूड एंड बेवरेजेस, सब कुछ है, किचन से, बाथरूम से, बच्चे से, बूढ़े। और ऐसे प्रोडक्ट जिसको आपको पहले दिन से खरीदते ही एमआरपी पे लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। करना क्या है, आधार कार्ड की कॉपी, उसमें भी आपको लगता है कि उसके आपको एक फ्रेंचाइज मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक नंबर मिल जाता है, वो नंबर आपकी लाइफ को बदल सकता है। जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं, आप आधार कार्ड देते हैं, आपको नंबर मिलता है, रिचार्ज कराते हैं, स्कीम मिलती है, सेम यहाँ पर आधार कार्ड देने से इस कंपनी की आपको एक फ्रेंचाइज मिल जाती है। पैसा नहीं लगता, बट यदि माइंडसेट लगाओ कि मेरा 20-25 लाख लगा है और यहाँ से आप 20-25 लाख महीने का कमा सकते हो और शोरूम को डेली खोलना है, तो करना क्या है, यूज करना है और लोगों को बताना है। ये बचपन से करते आए हुए काम, जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, पिक्चरों से इतना नहीं कमाते जो टीवी एड से कमाते हैं, वो काम ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी का बन के आप कर सकते हैं। जैसे आपने यूज किया, मूलचंद के परांठे खाए, अच्छा लगा, लोगों को बताए, अमिताभ ने ऐड नहीं किया तब भी मूलचंद के परांठे बिकते हैं, किसने किया, मैंने और आपने। ये काम बचपन से करते आए हो, वो यहाँ पे करना है और वो करने से आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। दिस इज माउथ पब्लिसिटी, दिस इज रिकमेंडेशन मार्केटिंग, रिकमेंड करना। आप डेली डॉक्टर, इंजीनियर किसको रिकमेंड नहीं करते, क्या मिलता है वहां पर, बाबा जी का ठुल्लू, और यहाँ मिलता है पैसा, इनकम, फॉरेन ट्रिप, नेम एंड फेम, गाड़ी, क्या चाहिए आपको, सब कुछ एक छत के नीचे। मैंने एक वीडियो देखी थी, कपिल वर्मा जी और अनीता वर्मा जी ने शेयर किया था, एक शानदार लेडीज को उन्होंने अजमेर में ज्वाइन कराया, सब कुछ है उनके पास, तब भी उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मैं काफी लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए लोग यहाँ नहीं आते। तब अच्छा ही लगता, आता बस सबको अच्छा लगता, तो पैसा आ रहा है यहाँ पे, यूज करने से पैसा आता है, तो इसको यूज कीजिए। क्या मिलता है शुरुआत में, पहली चीज बताइए, एमआरपी पे आपको 10-15% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है शुरुआत में, और फिर मिलते हैं 10-12% के प्रोडक्ट्स ऑफर, हर महीने अलग अलग होते हैं, 1000 रुपए, 100 रुपए का, 2000 रुपए, 200 का, ऐसे ऑफर्स आपके पास आते रहते हैं और आपको पता है ये ऑफर चलते रहते हैं। इसके अलावा मंथली के बीच के ऑफर, मंथ एंड ऑफर, बहुत ऑफर आते हैं, चलता ही रहता है। सबसे बढ़िया स्कीम लॉयल्टी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ने हम सबके बिजनेस को बढ़ाया है, स्टेबिलिटी दी है, कस्टमर रिटेंशन पावर जो डायरेक्ट सेलिंग में बाकी जगह बहुत ही कम होती है, मोदी केयर में सबसे ज्यादा है, वो प्रोग्राम है लॉयल्टी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या कहता है, इसकी बारीकियों को समझना। वैसे तो मोदी केयर में कोई फाउंडेशन नहीं है, आपको जो इच्छा सामान लीजिए, कितने का लेना है, बट सबसे बढ़िया स्कीम, यदि स्कीम में आ गए तो आपका चेक बढ़ जाएगा और आपके लोग रिटेन हो जाएंगे। 2500 से 5000 तक का सामान लगातार आप 6 महीने लेते हैं इस कंपनी से, 15 तारीख से पहले, राशन कब आता है, किराया कब जाता है, पहले हफ्ते 10 दिन में शुरुआत में देते हैं, तो वहां नहीं सोचना तो यहाँ भी नहीं सोचना। पर जब भी कंपनी ने 15 तारीख दी है, बट हमको तरुण जी ने सिखाया पहले 2 तारीख को लेना, राइट। सो 2500 से 5000 तक का सामान 15 तारीख से पहले लेते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम में और लगातार 6 महीने लेते हैं, 2500 से 5, एवरेज जो भी आएगा, अब 2.5 आए, 3 आए, 5 आए, एग्जाम्पल इस स्लाइड में लिया है कि आपका एवरेज 5 आता है तो आपको 7वें महीने 5000 का सामान फ्री मिलेगा, कैसा रहेगा, अच्छा, फ्री में तो मर्सिडीज वाले को कुछ भी फ्री मिले उसको भी अच्छा लगेगा। यदि आप लगातार 12 महीने नॉन स्टॉप लेते हैं बिना रोके, ये नहीं सोचना कि 7वें महीने फ्री मिला तो वहां छोड़ दें, नहीं, गलती मत करना, और फायदा, बिजनेस में आए हो तो फायदा देखो, फायदा फायदा फायदा, तो 12 महीने लगातार लोगे तो 13th मंथ में आपको डबल ऑफ एवरेज, यदि आपका एवरेज 5 आया, 5 का पहले मिल चुका है, 10 का और मिलेगा, मैक्सिमम साल में 15000 का सामान मिलेगा। देखिए अब मिल ही रहा है, जा कुछ नहीं रहा, बाजार गए, पैसा दिया, आलू खरीदे, अच्छा लगा, फिर आलू खरीदे, खरीदते रहो, खाते रहो, कुछ गया तो नहीं, तो सेम हेयर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाजार से सामान लेते हो, क्या मिलता है आपको, पेस्ट, साबुन, ये क्या मिलता है मार्केट में, कुछ नहीं, नथिंग। कुछ कहते हैं सर हम तो ना जाके सदर से ले आते हो, अरे भैया कितनी बार ले आते हो, ले भी आते हो तो गाड़ी तो नहीं मिलती फ्री में, फॉरेन ट्रिप तो नहीं मिलता, कुछ लोग कहते तो यहाँ से वो मिलता है, तो यहाँ से आधार कार्ड की कॉपी लगाते ही आप मोदी केयर के फ्रेंचाइज ओनर, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। लोग इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेंबर, कुछ नहीं, आप बिजनेस कंसल्टेंट है, लोगों के लाइफ को चेंज करते हैं और आप पहले यूजर बनते हैं, फर्स्ट काम यूज करते हैं।
तो एमआरपी आपको एक एग्जांपल लिया, लेने को आप कितने का भी लो, 3600 का सामान आपको पहले दिन से 3000 का मिलता है, कैसा रहेगा? नॉर्मली अच्छा लगेगा, डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट 20% तक आया, आपकी 600 रुपए की बचत हुई, आपको फ्री प्रोडक्ट आपको दिखाया, 3000 का स्लैब पकड़ते हैं तो आपको 340 रुपए एमआरपी का तक का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, मल्टीविटामिन का भी कुछ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मल्टीविटामिन का, आपको फ्री मिला। बोनस, ये बोनस कैसे आता है? यूज करने में पैसा आता है, तो आपको हमने दिखाया हमारी एक एमआरपी होती है, एक डीपी, डीपी पे बिलिंग होती है, तो एमआरपी 3600 का था, बिलिंग हुआ 3000 पे डीपी पे। बिजनेस वैल्यू होता है यहाँ पर, हर प्रोडक्ट का बिजनेस पॉइंट होता है, तो किसी प्रोडक्ट पे 50%, किसी पे 60%, वो प्राइस के सामने लिखे होते हैं। तो हमने पकड़ा है 3000 का एवरेज करके, आपने कुछ हेल्थ का सामान लिया, कुछ होम केयर का, तो आपको 50% पॉइंट मिल गए 1500। उस पे पहले दिन से आपको हमने बताया था 7%, आप नया आदमी को 7% मिलता है, फिर ये 10 हो जाता है, फिर 13, 16, 19, 22। आज हमने एग्जांपल लिया, जो नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। यूज करते ही आपको 7% का चेक, 105 रुपए का चेक 9 तारीख को आपको बैंक में आ जाएगा, यदि आपने सिर्फ 3000 का सामान भी यूज किया, डिस्काउंट हाथ के हाथ, प्रोडक्ट फ्री हाथ के हाथ, ये चेक आपको 9 तारीख को आया, कैसा रहेगा? और ये आ जाए, विश्वास हो जाए, तो आगे बढ़िएगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे आगे बढ़िएगा, कोई जबरदस्ती नहीं, सोच समझ के डिसीजन ले लेगा, दोस्ती यारी में काम मत करना, अपनी लाइफ को सोच के, अपनी फैमिली की लाइफ को सोच के काम करना। लॉयल्टी प्रोग्राम, यदि आपने 3600 का सामान भी लगातार यूज किया, आप सोच के देखिए आपका एवरेज आ रहा है, साल में 3 बार एवरेज किया, 10800 का सामान फ्री, डिवाइड बाय 12, आपको 900 रुपए पर मंथ का सामान फ्री मिला। आप सोच के देखिए 3000 का सामान यूज किया, 1945 की बचत, बिजनेस में आयो, फायदा देखो, डिस्काउंट देखो, 1945 की बचत, 50% मुनाफा, है ना भाई, गुजराती भाई, 50% मुनाफा हो रहा है, क्या बुराई है? सिर्फ सामान यूज करने तक यहाँ तक फायदा दिखाया आपको, नए ग्राहक को आज पहला कदम, पहला स्टेप, अपनी दुकान बदलो, 50% मुनाफा है, बदल के तो देखो एक बार यूज करके देखो, जिन्होंने आपको बुलाया उनकी बात मान लो, और यही चीज आपको अच्छी लग जाए, क्या प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस, कि हमारे यहाँ आपको यहाँ से फॉरेन ट्रिप, यहाँ से गाड़ी, यहाँ से आपको नाम इज्जत, आपने हमारे बहुत सारे, कल मैंने अखिलेश को जब जब सुनता हूँ मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, एक क्या स्ट्रगल करके वो गाड़ी तक, और आज मदर्स डे है और सैल्यूट है कि उन्होंने एक गाड़ी और फ्लैट अपनी मम्मा को गिफ्ट किया है, सो हैट्स ऑफ टू यंग बॉय, जिन्होंने, हम उनसे बहुत सीखते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे कि आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, किसी की लाइफ में मौका ये दे सकते हैं, उसके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सकते हैं, आज बहुत लोग मौके के इंतजार में है। यदि आप डेली न्यूज देखते हैं तो सड़क पे लोग पैदल चल रहे हैं मौके के इंतजार में, उन्हें कोई लिफ्ट तक दे दे, ये मौका नहीं है तो और क्या है? तो ऐसे लोग इंडिया में बहुत लोग बैठे हैं, कोई आए उनको ये मौका दे और उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो तरुण सर का एक मिशन है लोगों की लाइफ को चेंज करने का, जो समीर सर ने उनको दिया, और ये मौका हमारे पास भी आया है कि हम भी चाहते हैं, हम अकेले ये मौका, अकेले कोई नहीं पहुंचा सकता, यदि ये मौका हम दोस्तों को पहुंचाएं, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, बट कुछ ने सुन लिया, उसने मान लिया, उसने सीख लिया, तो वो भी यहाँ से वो पा सकता है जो तरुण सर ने सबको 4 आदमियों से जयपुर में शुरू करके आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो फरीदाबाद में, पूरे इंडिया में उनका बिजनेस चल रहा है, मेरे को भी उन्होंने बताया, मैंने भी जयपुर जाके अपनी लाइफ को, इस मौके को समझा। सबसे पहले वो इवेंट देखा था मैंने कपिल जी और आलोक जी का, और वहां से मुझे समझ में आया कि व्हाट अ कंपनी, व्हाट अ वुमन, क्या है ये लोग, क्या पब्लिक और अपनी टीम के लिए कर रहे हैं तरुण जी, कपिल जी, और वहां से मैं इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं पुरानी कंपनी में काम करता था, वो प्रोडक्ट अच्छे थे, महंगे थे, बट मुझे वो अचीवमेंट्स नहीं मिल रही थी जो यहाँ पर, नौकरी में 12 साल लगे, पिछली कंपनी में 4 साल लगे, और यहाँ 1.5-2 साल में वो सब कुछ, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी यहाँ पे अचीव हुआ टीम की सपोर्ट से। आज मैं वो शेयरिंग्स, अपनी बिजनेस प्लान बताना था, मैंने आपका काफी टाइम लिया है, बट यही काम आप शेयर करते हो, अच्छा लगता है, लोगों को बताते हो, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, कुछ मानते हैं कुछ देर से आते हैं, क्योंकि सब कहते हैं तुम्हारा आएगा पहले कर लेंगे, बट जिन्होंने माना समझा, मैंने भी शुरू में मोदी केयर को पहली बार जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया फटाक से आ गया, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने नहीं ढूंढा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढा, मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त कुछ नहीं था, कोई सर्कल नहीं था, बट मैं उस रिसेशन में व्हाट इज योर प्लान भी वापस आपसे पूछता हूँ, आज कोरोना में आपका साइड प्लान क्या है? कुछ हो जाता है, नौकरी नहीं रहती, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, साइड प्लान क्या है, कैसे सर्वाइव करेगी फैमिली? कुछ तो करो, और ऐसा करो जो कुछ हटके हो, जिसकी डिमांड हो, जो आप लोग नहीं कर रहे वो करो, ये पेड़ पे सारे लोग वही करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, बट वो करो जिससे आपकी लाइफ में सफलता आए, और ऐसा बिजनेस जो रिटर्न्स अच्छे दे, सब कुछ दे। यदि आप ये काम करते हो तो 8 तरह की इनकम आती है, इसको डिटेल में समझने के लिए मैं चाहूंगा जिसके साथ आप आए, उसके साथ बैठे, इसका सेशन उनके साथ 1-to-1 करें, जूम मीटिंग से करें, 8 तरह की इनकम आती है, आपको रिटेल प्रॉफिट आता है, आपको मैंने दिखाया डिस्काउंट मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, फिर आपको, आपको आपने दिखाया 7-22% आपको कैशबैक आता है,
या उसको एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं, धीरे धीरे 7% 10, 13, 16, 19, 22 तक हो जाता है, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर बनने पे पहली रॉयल्टी इनकम आती है। एक बार सिस्टम आपने खड़ा किया, आपने 5-6 लोगों को सिखाया, उसने 5-6 लोगों को सिखाया, सिस्टम बढ़ने लगा, वो पाइपलाइन बिछने लगी, जो आपने वीडियो देखी होगी हमारे, या आप उनसे देखिएगा कि पाइपलाइन वीडियो क्या है, जिसको देख के मैं भी इंस्पायर हुआ था। तो डायरेक्टर बोनस आता है। डायरेक्टर बोनस आने के बाद आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट किया आपने जैसे, और उनको सपने थे उनकी गाड़ी लेने का, फॉरेन जाने का, उनमें से एक आदमी बड़ी तेजी से बढ़ा, तो वो भी डायरेक्टर बना। उनको सिखाया आपने, ट्रिप्स में लाए, मीटिंग्स में लाए, सीन आपने उनको डेमो करना सिखाया, आपने मीटिंग्स में लाए, वो भी डायरेक्टर बना। तो कंपनी ने आपको प्रमोशन दे दिया, सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपको फॉरेन ट्रिप फंड में आपका नाम आ जाता है, उससे पैसा जुड़ने लगता है, फिर कंपनी के फॉरेन ट्रिप में आप जा सकते हैं। मुझे भी ये मौका मिला, मैं भी बहुत सारे सीनियर 600 लोगों के साथ, अभी हम रॉयल कैरेबियन क्रूज पे गए थे, तो 1.5 लाख का ट्रिप था, इंजॉय किया, जिसमें तरुण जी, आलोक जी, कपिल जी, बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। फिर आप 3 लोगों को कामयाब करते हैं तो आपको गाड़ी मिलती है, तो 1.5-2 साल में मुझे भी मिली, और आपकी टीम में तो लाइन लगी हुई, मैंने देखा है, हर रोज राजस्थान में गाड़ियां आती, तरुण सर के ग्रुप में हर रोज गाड़ियां आती हैं, और एक से एक मर्सिडीज जगुआर से लेकर आपने देखा वॉल्वो, एक से एक गाड़ियां हैं सर के ग्रुप में। आपकी भी आ सकती है, यदि आप चाहते हैं फ्री में अपने फैमिली को गिफ्ट करना, आपकी भी आ सकती है। मेरी टीम में भी आ चुकी है, और बढ़ती जाएंगी, और इस साल आएंगी, और अगले साल सब बढ़ती जा रही है, और सब लीडर्स ने लाइन लगा रखी, और 2020 गाड़ी का जो प्रण लिया तरुण जी ने, वो हम सब मिलकर पूरा करने में, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों की लाइफ को चेंज करें, क्योंकि तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। नौकरी में अकेले काम करोगे सफल हो सकते हो, बट लिमिटेड, बट यहाँ आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। कब कहते हैं ना, मैंने एक चीज सीखी थी पिछली कंपनी में, कि किसी को कब तक आप पैसा दोगे, बट यहाँ क्या सीखा है, उसको रोटी कमाना सिखा दो, बट मैंने यहाँ उल्टा सीखा है, किसको कब तक मछली दोगे, उसका कब तक पेट भरोगे, इससे अच्छा उसको मछली पकड़ना सिखा दो, बट इससे अच्छी एक लाइन और सीखी मैंने यहाँ पर, कि इससे अच्छा है उसकी फिशिंग कॉर्पोरेशन खोल दो, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दो, वो हमेशा काम करता रहे, उसको पैसा आता रहे, सिस्टम चलता रहे, उसकी फैमिली को भी पैसा आता रहे। एक तो है डेली बस दान दे दो उसको, बस हाँ उसको खाना खिला दिया, एक है उसको मछली पकड़ना सिखा दिया, एक उसका सिस्टम खड़ा कर दिया। सिस्टम खड़ा करने में टाइम लग सकता है, तो वो हम सब तरुण जी के साथ लीडरशिप में मिलकर कर रहे हैं, और हमारे सब लीडर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे आपको फॉरेन ट्रिप, फिर आपके 6 लीडर कामयाब होते हैं, तो आपको घर का सपना पूरा होता है। बहुत सारे लोगों का यह सपना पूरा हुआ है, मैंने देखा है, और आप डेली सुनते हैं, और दिस फ्रॉम बाय दिस आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू सो मच। आई विल थैंक्स टू ऑल माय लीडर्स, एंड सब स्पेशली तरुण जी, आज ये मौका मुझे आपने दिया, एंड आलोक जी थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल लीडर्स। तरुण जी आप मोदी केयर में मुझे लेकर आए, और एक साल तक मुझे ये, मैंने पहले इग्नोर किया था, बट लीडर्स जो मोदी केयर में है, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था 5P, वो यहाँ पर है। हम पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, बट यहाँ पर आई हैव सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ तरुण जी, जो तरुण जी ने सिखाया सिंपल बिजनेस डुप्लीकेशन, वो यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू, हम पिछले 1.5 महीने से मैं रेगुलर कपिल जी, आलोक जी, नरेंद्र खरानिया जी, आशुतोष जी, तरुण सर, इन सब की ट्रेनिंग्स में देख रहा था, और हम देखते भी आए हैं, चाहे हयात हो, चाहे हमारा क्राउन हो, और हमने बहुत कुछ सीखा है। So with that, thank you Tarun sir, thank you Alok ji, thank you Kapil and all leaders, thank you so much, thank you so much. Thank you sir. Are you? तरुण सर मेरी आवाज आ रही है? आई हैव क्लोज्ड। ओके, बस सोते रहते हो यार, बड़ा बड़ा ओके, आई हैव टू म्यूट। ओके प्लीज, सॉरी। मैंने आपको होस्ट बना दिया। थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू प्रदीप जी, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, और व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन यार, मतलब जबरदस्त। और मैं देख रहा हूँ कि जो चैट सेक्शन है वो भर गया है,
सब लोग बहुत ही मतलब तारीफ कर रहे हैं और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने समझाया। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि यू आर ऑलवेज माय फेवरेट स्पीकर और बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट विदाउट एनी फ्लॉस। और एक एक मतलब कितना सूझ लिया आपने इस बिजनेस को समझा दिया कि क्यों हमें इस बिजनेस की जरूरत है और क्यों हर किसी को ये बिजनेस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, और मैं हमेशा से फैन रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन का और आपकी जिस तरीके से आप सिखाते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और जितने भी नए साथी आज हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, आई होप कि उनको समझ में आया होगा कि क्यों ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। और जिस प्लान बी की बात प्रदीप जी ने आपसे अभी इस पिछले 45 से 50 मिनट के अंदर करी, वो प्लान बी हमें क्यों जरूरी है ये आज हमें समझना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे प्रदीप जी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया इस बिजनेस के अंदर। और मैं अगर थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बताऊं तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक सिंपल जॉब में था, एक गवर्नमेंट जॉब में था, और 8 साल तकरीबन मैंने उस जॉब को किया। लेकिन मेरा लक अच्छा था, मेरे भाग्य अच्छे थे कि 2014 में मुझे मोदी की अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटर अनीता वर्मा जी, कपिल वर्मा जी और महागुरु तरुण बजाज जी का, कि जिनकी वजह से आज मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। जिस जॉब की मैंने बहुत तैयारी करी थी, आई रिजाइन दैट जॉब 2 ईयर्स अगो, और उसके बाद जो सपने जिंदगी में कहीं पूरे होते नहीं दिख रहे थे, वो सारे सपने हमने इस बिजनेस से पूरे किए। चाहे वो ड्रीम कार का हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स का हो, चाहे वो अपने सपनों के घर का हो, चाहे वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेस करने का हो। तो थैंक यू सो मच माय मेंटर्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और आज दिल से यही दुआ है फ्रेंड्स कि आप सबकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आए, आप सबकी जिंदगी में ये मैसिव सक्सेस आए। और मोदी केयर ने और इस पूरी लीडरशिप ने और इस पूरी मेंटरशिप ने लॉकडाउन को पूरी तरह नॉकडाउन बना दिया है। इतनी इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रही है, तो रियली बहुत मजा आ रहा है। और मैं अब चाहूंगा कि जिन जिन शख्सियत का नाम प्रदीप जी ने इस मीटिंग के दौरान लिया, जिनकी सक्सेस प्रदीप जी ने इस मीटिंग के दौरान बताई, मैं चाहूंगा मैं उनको यहाँ पर सबसे पहले हमारे ग्रेट मेंटर कपिल वर्मा जी। तो कपिल सर, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आएं और आपसे कुछ शब्द हमें सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कपिल सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच आलोक, एंड व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन प्रदीप जी, मजा आ गया। रियली शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हम आज बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम अपने से ज्यादा जो अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, जो बिजनेस में क्रॉस लेग से सीखते हैं, वो बिल्कुल अनमोल होता है। और आपने जो आज जिस तरीके से आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, इट वाज रियली वेरी यूनिक। और मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी मैं नजर नहीं हटा पाया इस प्रेजेंटेशन से। और मैंने आज बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं प्रदीप जी, वंडरफुल। और वाकई में आलोक जो बार बार कहते हैं कि यू यू आर हिज फेवरेट, तो वाकई में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने दिल जीत लिया बहुत सारे लोगों को। क्योंकि इससे सिंपल तरीके से बिजनेस नहीं बताया जा सकता, इससे सिंपल तरीके से हम हमारे बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। और ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट लीडर मिस्टर तरुण बजाज जी। आप तरुण सर की वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत आज हम ये जूम मीटिंग्स अरेंज कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू तरुण सर, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। और मैं 100% श्योर हूँ कि जब ये पीरियड खत्म होगा, जब लॉकडाउन खत्म होगा, तो जो लीडर्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा, और जिस तरीके से वो फील्ड के अंदर पूरी नॉलेज के साथ, बहुत सारे लीडर्स की नॉलेज के साथ जब जाएंगे, तो बिजनेस बहुत हाई जाने वाला है। और ये जूम मीटिंग्स तो वो क्रांति लेकर आई है, क्योंकि अब हमारे पास कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की दूरियां हम कवर कर पा रहे हैं इस इन जूम मीटिंग्स के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हर चीज जबरदस्त हो रही है दोस्तों। और फाइनली, क्योंकि
12 तारीख तक कंपनी ने डबल पीवी धमाका दिया हुआ है। तो जिस तरीके से प्रदीप जी ने बिजनेस के बारे में बताया है, लेवल्स के बारे में बताया है, तो इस डबल पीवी धमाका का हमारे को फायदा उठाने के लिए 2 दिन और बचे हैं, जिससे कि आप अपने लेवल्स, अपनी टीम के लेवल्स जंप कर सकते हैं। आज ही अपना पूरा चार्ट बनाइए, आज ही अपनी पूरी डाउनलाइन की पूरी लिस्टिंग कीजिए, किसका टाइटल बच रहा है, और उनके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन प्रदीप जी, प्रदीप सर, बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है, इतने सारी चीजें समझ में आई है और नए नए एग्जाम्पल्स सीखने को मिले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू आलोक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और चलिए लीडर्स, अब उस शख्सियत को सुनते हैं यहाँ पे जिनका जिक्र बार बार इस प्रेजेंटेशन में हो रहा था और जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं और अपनी अपनी सक्सेस ले पा रहे हैं जिनकी वजह से, और जिनकी जिन्होंने आज हर किसी को, जो प्रदीप वर्मा जी कह रहे थे कि फिशिंग कॉर्पोरेशन खुलवा दी है, तो मैं चाहूंगा कि उन शख्स को हम यहाँ पर सुने, उन्हें सुनने का मौका हमें आज मिला है, वो हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में है। सो तरुण सर प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू आलोक एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस प्रदीप जी, यू आर ऑलवेज ग्रेट स्पीकर, आपको सुन के हमेशा हमेशा बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्पीकर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी हमारे लिसनर्स को जो हमारे साथ आज हैं। मैंने बहुत माइन्यूटली जज किया है प्रदीप जी का बिजनेस, प्रदीप जी का बिजनेस हमने बहुत साथ मिलके बिल्ड किया है, और प्रदीप जी की टीम में जितने लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, शायद इतने लोअर मिडिल क्लास लोग शायद ही किसी की टीम में हों, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया है। जिस दिन प्रदीप जी के बिजनेस में, प्रदीप जी प्लीज माइंड दिस, जिस दिन आपके बिजनेस में आप उस कैटेगरी के लोगों को अपने साथ ले आए, या वो लोग आ गए जिस दिन जो जो आपके माइंडसेट के लोग होंगे, उस दिन आपका बिजनेस तूफान खड़ा कर देगा, उस दिन आप रॉक करोगे। सो प्रदीप जी ने बहुत सारे, मैं कहूंगा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को फॉरेन ट्रिप्स कराए हैं, उनको गाड़ियां दिलवाई हैं, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रदीप जी की टीम में हैं, और जो कभी ऑटो चलाया करते थे, जो कभी कारपेंटर थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने एक बहुत अच्छी सक्सेस तक पहुंचाया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन प्रदीप जी के साथ थोड़ी सी और अपर क्लास आनी शुरू हो गई, उस दिन प्रदीप जी का बिजनेस विल रॉक, क्योंकि आई एम सॉरी टू से बट यस, उन लोगों को थोड़ा सा और प्रदीप जी को नजदीक से समझने का मौका मिलता है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन जो प्रदीप जी का, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आज मुझे जो मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बिजनेस सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आज किसी ने ज्वाइन किया है, लाइक अगर मैं बात करूँ कि कपिल वर्मा जी से पहले, आलोक जी से पहले, बहुत सारे लोगों ने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया था, और शायद कई सालों पहले ज्वाइन किया था, बट आज कपिल जी, आलोक जी, प्रदीप जी बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ करके उनसे आगे निकल गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कुछ कंपनीज के बिजनेस प्लान में ऐसा होता है कि वहां पर आप यू कांट सक्सीड, यू कांट ओवरसीड, लेकिन मोदी केयर का बिजनेस प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जितना बड़ा बिजनेस करेंगे, आप अपने अपलायंस से भी ज्यादा पैसा कमा सकते, आप उनसे ज्यादा शोहरत कमा सकते हैं, आप उनसे ज्यादा नाम कमा सकते हैं, आप उनसे ज्यादा इज्जत कमा सकते हैं, आप उनसे ज्यादा बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। सो दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में बहुत कम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में देखने को मिलेगी, एंड वी आर वन ऑफ देम। सो ग्रेट ग्रेट प्रेजेंटेशन प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और ओवर टू आलोक जी। थैंक यू सो मच तरुण सर आपके कमेंट्स के लिए, और वाकई में आज प्रदीप जी ने दिल जीत लिया, बहुत ही स्मूथ, शानदार और
अगर ऐसा प्लान किसी को दिखाया जाए तो कोई ताकत ही नहीं कि वो ज्वाइन ना करे वो आदमी, उसके भाग्य में ही नहीं होगा अगर वो ज्वाइन नहीं करता इस प्लान को देखने के बाद भी। दैट वाज अ परफेक्ट प्लान। सो थैंक यू सो मच प्रदीप वर्मा जी वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस एंड शोइंग अस द वंडरफुल द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो लीडर्स, ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, और जितने भी नए गेस्ट हैं उनको, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिन्होंने इस मीटिंग में इन्वाइट किया है उनसे अब तुरंत इस मीटिंग के बाद संपर्क करें, उनको कॉल करें और उनसे समझे कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप भी बहुत सारे लोगों की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, और कल शाम को 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। और जैसा कि जो हमारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है अभी कि एक दिन हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं और उसके अगले दिन हम कोई एक बहुत सफल शख्सियत की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर लेके आते हैं आपके सामने, तो कल 5 बजे हम मिलेंगे एक और बहुत ही जबरदस्त सक्सेस स्टोरी के साथ। सो बने रहिएगा और प्रमोट कीजिएगा अगली कल की मीटिंग को, मैसेज आपके ग्रुप्स पे फॉरवर्ड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। सो तरुण सर, कैन वी एंड दिस मीटिंग नाउ? यस आलोक, हम इस मीटिंग को जरूर कंक्लूड करना चाहेंगे, बट आज भी हमारे साथ एक दो लीडर हैं जो बिल्कुल परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस में हैं और बहुत सिस्टम के साथ इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। लेट मी वेलकम मिस्टर, इसमें आई थिंक अगर मैं इनको सही देख पा रहा हूँ तो इनका नाम मुझे शो नहीं हो रहा है, बट आई थिंक दिस इज मिस्टर सतीश सोनी, नंबर से उनका शो हो रहा था। अरुण बजाज, आई थिंक ही इज लुकिंग ग्रेट। वरुण बजाज ऑल्सो इज लुकिंग ग्रेट। गरिमा आर्या इज अगेन लुकिंग ग्रेट। सो कैन वी गेट देम ऑन स्क्रीन? यस सर, श्योर। बिकॉज दिस बिजनेस इज अबाउट ऑल, दरवाजा बंद करो, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड झलकता है आपके कि किस तरीके से आप इस सिस्टम में बने हुए हैं, किस ड्रेसिंग सेंस के साथ आप मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस आपका माइंडसेट शो करता है। योर जो आपका पहला लुक सामने आता है उसी से झलक जाता है कि आप कितने डेप्थ से इस बिजनेस को समझ रहे हैं। सो लेट मी वेलकम अरुण बजाज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि जिसकी भूख बड़ी है वो इंसान यहां बड़ा हो सकता है, और मेरी भूख बहुत बड़ी है। मैं हर वो चीज पाना चाहता हूं जो हम में से कोई भी व्यक्ति पा सकता है। मैंने लीडर्स को जब देखा, मैं टी शर्ट्स में होता था, मैं कैजुअल शर्ट्स में होता था, देन आई सी के आप लोगों ने, हमारे मेंटोर ने अप्रिशिएट करना शुरू किया कि यस ये लीडर्स इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से अटेंड कर रहे हैं। यस आई एम, मैं बिल्कुल मीटिंग अटेंड कर रहा था बट ड्रेसिंग सेंस, तो दैट डे आई कमिट के बहुत जल्द मुझे मेरे मेंटोर जल्द बुलाएंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और मुझे भूख है इस चीज की कि जिद है कि मुझे हर वो चीज करनी है, हर वो डुप्लीकेशन करनी है, ताकि मेरी टीम के अंदर जिस तरीके से आप चाहें, जो आप देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि 100 बीवी क्लब, जो व्यक्ति वर्ड्स दिमाग में आते हैं, इफ यू डोंट नो व्हाई डोंट डू, आई नो दैट व्हाई आई एम डूइंग दैट, व्हाई आई एम डूइंग मोदी केयर, इसलिए मुझे ड्रेसिंग सेंस में आना, और मैंने कमिट किया अपनी टीम में, ड्रीम टीम बनाई मैंने, उसमें कमिट किया कि मैं हर वक्त आपको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में मिलूंगा, और आप लोगों से जो मैं सीखूंगा वो एज इट इज अपनी टीम में देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू प्रदीप जी, वंडरफुल ट्रेनिंग। कल अखिलेश जी ने रुला दिया, मैंने मैसेज किया था कपिल जी को कि मैं दो वर्ड्स बोलना चाहता हूँ, बट बहुत सारे लीडर्स थे, आज मुझे मौका मिल गया। अखिलेश जी, आपकी कहानी नहीं है, लोग कहते हैं कि कितनी शानदार कहानी है, कितना दर्द है, आपने जीवन गाथा लिखी है अपनी,
और शूरवीरों की जीवन गाथा लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, पर आपकी जीवन गाथा भी हम लोग सभी मोदीगेरियन हमें सिखाएगी और यस हम अपने आप को प्रूव करेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू तरुण सर. हियर आई एम लुकिंग मिस्टर रतन अर्जुन इज आल्सो इन अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस इज हियर फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक. जब तक रतन अर्जुन जी आते हैं कैन वी गेट वरुण प्लीज हियर. वरुण जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वरुण जी आप अनम्यूटेड हैं, वेलकम सर. थैंक यू आलोक जी, थैंक यू तरुण सर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए. मैं तो एक अभी बहुत ही लर्निंग फेज में हूँ और बस मैं इतना ही सीख पाया हूँ कि मुझे जैसे स्कूल में सिखाया जाता था कि नकल नहीं मारनी है और मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है कि बस नकल मारनी है. जैसा सर आदेश करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज फॉलो होनी चाहिए, तो दैट्स इट. मैं मीटिंग्स में लीडर्स को देखता रहता हूँ और पहले जैसे एक दो मीटिंग्स में मैंने अपना नोट्स वगैरह नहीं बनाए, नहीं शुरू किया था, तो देन आई वाज अ बिट लीनियंट. मैं थोड़ा सा लीनियंट चल रहा था कि नहीं ठीक है, टेकिंग इट कैजुअली. पर जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया है तो लास्ट वीक से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं. आई हैड स्टार्टेड अननोन कॉलिंग्स और मुझे न्यू ज्वाइनिंग्स भी मिल रही हैं राइट नाउ. ऑल्सो अभी भी इस मीटिंग में एक पर्सन है जो जिनको मैंने आज ही फोन पे ही प्लान शेयर किया था और आज ही उनकी ज्वाइनिंग की और आज वो अब मेरे साथ इस जूम मीटिंग में अपनी पहली जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम नहीं स्टेशन 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 ही इज फ्रॉम गोरखपुर. यस गोरखपुर. तो ये आज मेरी एक पहली सक्सेस स्टोरी हुई है कि मैं फोनिकली भी लोगों से अननोन लोगों से अटैच होके और बात करने में सक्षम हो पाया हूँ और अपनी एक हेजिटेशन को खत्म करके आज ये होने लगा है कि लोग मुझे सुनने लगे हैं और मैं उनसे सक्सेस स्टोरी शेयर्स करता हूँ आप लोगों की, आप जैसे लीडर्स की, कपिल जी की, तरुण जी की, आलोक जी की, प्रदीप जी एंड मैनी मोर, आशुतोष जी, अखिलेश जी. मैं सबसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और शायद ये लॉकडाउन पीरियड मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है और मैं अपने अंदर आप लोगों को शायद आप लोग देख पाएंगे कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आप एक लॉकडाउन के बाद देखेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वरुण एंड आलोक. कैन वी गेट मिस्टर रतन अर्जुन? श्योर सर. रतन जी वेलकम, यू आर अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड. आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट करें आप. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से. रतन जी आप हमें सुन पा रहे होंगे, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप स्क्रीन पर आ जाएंगे हमारे सामने. अब जैसे ही बात करना शुरू करेंगे आप हमारे सामने होंगे. रतन जी यू आर इन अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस. आपने ये क्यों ऐसे ड्रेस पहना है और क्यों आप ऐसी ड्रेसिंग सेंस में आकर के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू. सर शायद वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मैंने कई बार ट्राई कर लिया उनको अनम्यूट करने. नो इश्यूज आलोक, इट वाज अ वंडरफुल डे टुडे आल्सो और लेट्स कंक्लूड दिस मीटिंग एंड विल सी यू ऑल टुमारो इवनिंग एट 5 PM अगेन विद अ वंडरफुल ग्रैंड स्टोरी. आलोक जी सो मच. तरुण सर थैंक यू सो मच ऑल. यस सर, यस सर. कल 5 बजे मुलाकात होगी आपसे और कपिल सर ने बहुत अच्छा हमको रिमाइंड कराया है कि डबल अगेन ओनली 2 डेज लेफ्ट, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टाइटल कि इस महीने आप अपने टाइटल को जम कर सकते हैं और अपनी टीम में बहुत सारे टाइटल्स निकाल सकते हैं. 2 दिन आपके पास है, जुट जाइए 2 दिन में अपने टीम में बहुत सारे टाइटल्स निकालने के लिए. स्ट्रक्चर देखिए और पूरा पूरा ऐसा भरोसा है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज 2.5 गुना बिजनेस वॉल्यूम, 2.5 गुना आपका बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है. सो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो पाएगी. आई थिंक सो लीडर्स कल 5 बजे मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस. थैंक यू.